मेरा नाम है समीना, मैं ये होमलेस थी और मैं पटरी पर सोती थी। बहुत से ऐसे इंसान है निजामुद्दीन के अंदर, इतने गंदे इंसान है जो हमारे साथ बदतमीजी करते थे, बहुत जुल्म करते थे हमारे साथ। मेरे साथ जैसा हुआ है और किसी लेडीज के भी साथ नहीं होना चाहिए ना। जब सेंटर बना तो हम होमलेस सब अपने बच्चों को लेके मैं वो सेंटर के अंदर सोने के लिए चली गई। मेरा नाम तारा है, मैं 2014 से इस सेंटर में काम करती हूँ, कैटेगर का जॉब करती हूँ। यहाँ पे हर चीज की फैसिलिटी है, खाना पानी। यहाँ पे हमारे कम से कम 60 बच्चे हैं। अगर ये बीमार भी हो जाते हैं तो हमारे नीचे अस्पताल बना हुआ है, उसके अंदर हम इलाज करवाते हैं। हर महीने हेल्थ कैंप भी लगवाते हैं। हमारे यहाँ औरतें कम से कम 95 अभी हैं। जी नौ लोकर हैं, 142 लोकर हैं। जो भी लेडीज आती है हम उसको एक बॉक्स देते हैं, अपना ताला ला के उसमें सामान रखती, कपड़े रखती है, वो उसी का होता है, उसमें हम नाम भी लिख देते हैं। कालका जी से रहने वाले, हमारा कोई आई नहीं आगे पीछे, हम तो बाहर रहते थे रोड के ऊपर, तो इसीलिए वो उठा के लेकर आए हमें। उम्र ज्यादा हो गई, काम शाम कर नहीं सकते। आराम बहुत है, हर चीज सफाई भी है, हर 7 साल हो रहे मेरे को यहाँ रहते। बच्चों के लिए सब चीज की सुविधा है। हम लोग पहले हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, कुछ नहीं था, जब से हम सेंटर में हैं तो बच्चे स्कूल भी जाते हैं, हमारे नाम भी लिखवाए हमारे बच्चों का, इससे बहुत बढ़िया हुआ। हमारे बच्चे भी यहीं पे दिल्ली में शादी ब्याह कर नहीं रहते थे, मेरे पति लेके आए थे, वो जब खत्म हो गए तो मैं यहीं। ये है कि हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छा बनाया है, जो भी बनाया बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है ये। दिल्ली सरकार का बस यही बहुत बहुत शुक्रिया, जो महिलाओं के लिए इतना सुविधा कर दिया, यही हमारे लिए बहुत है। और क्या इतनी सुविधा कर रखी है जो कोई चीज़ की भी कमी नहीं है, बिल्कुल ओके है। हमारे सेंटर में कोई कमी ही नहीं है।